आजमगढ़ जिले के ब्रह्मस्थान पर ड्राई क्लीनिंग की दुनिया में जाना माना नाम माई क्लीनर स्टोर का उद्घाटन पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने रिबन काट कर किया। इसके बाद स्टोर के मालिक संदीप सिंह संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव को अंगवस्त्र एवं श्री रामचंद्र की एक प्रतिमा देकर सम्मानित किया, जिसमे आजमगढ़ का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रामा एंड ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अमित सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने बताया कि जनपद में ऐसी लॉन्ड्री का न होना अपने आप में एक अभाव व्यक्त कर रहा था। ऐसी आधुनिक तकनीकों से लैस लॉन्ड्री का आजमगढ़ में खुल जाना हम सब में एक गर्व की बात है। वहीं माई क्लीनर कंपनी के तरफ से आए एक्सक्यूटिव ने बताया कि माई क्लीनर में पिक एंड ड्रॉप जैसी फैसिलिटी के साथ लाइव लॉन्ड्री, लाइव ड्राई क्लीनिंग, स्टीम आयरन, सोफा क्लीनिंग, क्लीनिंग सैनिटाइजेशन एंड फॉकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस मौके पर स्टोर मालिक संदीप सिंह, संतोष सिंह, अखिलेश यादव, वीरू सिंह, अमित सिंह, लव यादव, विजय सिंह, आलोक यादव, पीयूष यादव, गणेश दीक्षित, आदित्य सिंह, पीयूष यादव, साथ ही शहर के अन्य प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पिछले दो साल में कोविड और कोरोना ने हम लोगों को ये सिखाया कि हाइजीन क्या चीज़ है। नहीं तो एक हाइजीन जो फैक्टर था, एक अपर क्लास सोसाइटी का हाइजीन फैक्टर हुआ करता था, आम जनता के लिए हाइजीन कुछ नहीं हुआ करता था। तो आज आजमगढ़ में जो हमारा स्टोर खुला है, वहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपके कपड़े के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसा पानी यूज़ हो रहा है, क्या डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है। जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो ग्रीन केमिकल यूज़ करते हैं, जिसको हम इको फ्रेंडली बोलते हैं। जर्मनी से हम लोगों ने इम्पोर्ट किया हुआ है उसको। कहने का मतलब ये कि जो गंदा पानी मेरा निकलता मशीन के अंदर से, मैं उससे खेती कर सकता हूँ, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। और एम्स का एक डेटा बोलता है कि अगर 100 लोगों को स्किन डिसीज़ है, स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उसमें से 50-55% वो लोग हैं जो डेली बेसिस पर ड्राई क्लीनिंग का कपड़ा पहनते थे। और वो ड्राई क्लीनिंग का कपड़ा जो पुराने ट्रेडिशनल ड्राई क्लीनर्स हैं वो किस तरीके से धोते हैं, जो सस्ते रिसोर्स होते हैं जैसे कि कास्टिक सोडा, MTO, वाइट पेट्रोल, उससे वो कपड़ा वॉश करते थे, जो कि हमारी स्किन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डियस था। थैंक यू। बहुत बढ़िया किताब। भैया लोग भेज दीजिए। सर आज आपका द्वारा ओपनिंग की गई लॉन्ड्री, क्या देखिए आदमी को स्वच्छ रहना चाहिए, कपड़ा लत्ता से लेकर सभी, और उसका ये अभाव था आजमगढ़ में। आज ये ब्रह्मस्थान की तरफ तो कोई ऐसा लॉन्ड्री वॉन्ड्री नहीं थी, जिन्होंने संदीप सिंह जिसका जिन्होंने लोकार्पण कराया है, मैं इनको बधाई देता हूँ कि जो भी ग्राहक आएं उनके कपड़े जो हैं अच्छी तरह से धुलाई करें, प्रेस करें, ताकि इसका संदेश पूरा होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता भी ज़रूरी है। इसलिए मैं इनको बार बार बधाई देता हूँ कि जिस काम में आपने रुचि लिया है उसमें आप, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप आगे बढ़ने का काम करें। सर अपना परिचय दे सकते हैं? मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। सर आज इनका उद्घाटन हुआ सर, ये माई क्लीनर्स का उद्घाटन यहाँ जो आज ब्रह्मस्थान पे हुआ है ड्राई क्लीनर्स का, ये एक बहुत अच्छा कदम है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसा कोई ड्राई क्लीनर आजमगढ़ में था नहीं, माई क्लीनर्स एक जाना पहचाना ब्रांड है। और जैसा कि लोग कहते हैं हमेशा कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो रोज़ ऐसे तैयार होइए कि आपको पार्टी में जाना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है साफ़ सुथरे कपड़े चाहिए, स्वच्छता चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माई क्लीनर्स जो ये काम है कपड़ों को अच्छी देखभाल करेगा और जितने भी इनके कस्टमर हैं उनको सुगंधित साफ़ सुथरे कपड़े देगा और उनके कपड़ों की खास देखभाल करेगा। और ऐसा कोई चूँकि था नहीं इतना अच्छा ब्रांड आजमगढ़ में, मैं एक बार बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ माई क्लीनर्स को कि यहाँ पे वो खुले हैं। और एक ये बड़ा ब्रांड है,
जो कि लखनऊ और हर जगह है। तो आजमगढ़ में इसका खुलना यहाँ के लोगों के लिए और जो साफ़ सफाई और अच्छे कपड़ों में विश्वास रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है सर।